चलिए चलते हैं फिजिक्स की ओर, जिसमें आपने कल लास्ट टाइम देखे थे एप्लीकेशन बीएसएल का, है ना। मैग्नेटिक फील्ड एट द सेंटर ऑफ सर्कुलर कॉइल कैरिंग करेंट। आज उसका हम अगला एप्लीकेशन की बात करेंगे, जो एग्जाम की दृष्टिकोण से ये आपका इम्पोर्टेंट है। अब ऊपर में लिख भी लेंगे वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। ये क्वेश्चन अधिकतर 5 मार्क्स में पूछा जाता है, 5 नंबर के लिए पूछा जाता है। हो गया। जिसका टॉपिक है आपका मैग्नेटिक फील्ड ऑन दी एक्सिस ऑफ सर्कुलर कॉयल कैरिंग करेंट। क्लियर। चलिए ध्यान दीजिएगा। एक हम कंडक्टर लेते हैं और ये इस तरह से क्या है, वो हमारा सर्कल है। ध्यान दीजिएगा ये किस तरह से है उसको ध्यान दीजिए, हमारा क्या है कंडक्टर है जो सर्कल के फॉर्म पे है। आपको ये समझना है कि ये वाला दिखाई दे रहा है ना, ये इस तरह से है, ऐसा नहीं है, ये कैसा है ऐसा। लेकिन बोर्ड में हम ऐसा बना तो नहीं सकते हैं ना, लेकिन आप कैसा है ये ऐसा है। क्लियर। चलिए अब क्या बोला है कि ऑन द एक्सिस, इसका एक्सिस पे निकालेंगे। एक्सिस पे निकालेंगे का मतलब क्या हुआ कि आपका ये कॉइल इस तरह से है और इसका ठीक बीच में एक हमारा एक्सिस लगेगा, दिखाई दे रहा है बीच में, आया बात समझ में। ये कॉइल इसका बीच में आपका एक्सिस होगा, मतलब यहां पे हम ये सेंटर था, यहां से एक पॉइंट लेंगे, ये पॉइंट, इस पॉइंट को हम मान लेते हैं पी, ठीक। इस पॉइंट पे क्या करेंगे, कैलकुलेट करेंगे। बात समझ में आया, कैसे है ये पता चला ना। ये कॉइल है, कॉइल में इस तरह से है, ध्यान दीजिएगा एकदम सेंटर पे बीचों बीच में। क्लियर। अब यहां पे ध्यान दीजिएगा थोड़ा सा कि ये सर्कल है तो ये वाला डिस्टेंस इसका क्या रेडियस होगा, क्या इस रेडियस को हम ए मान ले या कैपिटल आर मान ले, कैपिटल आर ज्यादा अच्छा रहेगा। चलिए इसको हम क्या मान लेते हैं, कैपिटल आर मान लेते हैं। क्लियर। अब क्या हुआ कि इसमें क्या फ्लो हो रहा है, आपका करंट फ्लो हो रहा है, करंट फ्लो हो रहा है इस तरह से। अब इस पॉइंट पी पे हमको क्या करना है, मैग्नेटिक फील्ड को कैलकुलेट करना है। तो मैग्नेटिक फील्ड को कैलकुलेट करने के लिए ये दिखाई देता है ना, ये इस तरह से सर्कल में है तो ये इस तरह से लगा हुआ है, समझ में आया बात। तो यहां से हम छोटा सा टुकड़ा इस पूरा में देख रहे हैं, करंट है लेकिन ये छोटा सा टुकड़ा देख रहे हैं, इस छोटा सा टुकड़ा में जितना करंट है उस टोटल करंट से हम पहले पॉइंट पी पे मैग्नेटिक फील्ड को कैलकुलेट करेंगे, समझ में आ गया। ये इस तरह से लगा हुआ है तो यहां से छोटा सा टुकड़ा यहां से हम लेते हैं इतना बड़ा, क्या बात समझ में आया। इसका नाम भी हम दे देते हैं चलिए समझने के लिए, एक्स और वाई। इसका लंबाई को हम क्या मान लेते हैं, डी एल। क्लियर हुई बात। अब ध्यान दीजिए यहां से हमको क्या करना है, मैग्नेटिक फील्ड को पॉइंट पी पे कैलकुलेट करना है, बात समझ में आया। अब थोड़ी सी और जानकारी समझिएगा कि आप सीख चुके हैं कि अगर सर्कल में भी है और छोटा सा अगर हम टुकड़ा उठाते हैं तो वो सर्कल ना बन के क्या रहता है, स्ट्रेट होता है, देख रहे हैं। अगर इतनी भाग को देखेंगे तो ये कैसे दिखाई दे रहा है, स्ट्रेट। क्लियर। चलिए इसको समझाते हैं, मान के चलिए ये सर्कल का छोटा सा टुकड़ा है, ठीक। इस छोटा सा टुकड़ा से हम एक लाइन खींचे हैं, इस तरह से क्या खींचे हैं, लाइन खींचे हैं। तो ये छोटा सा करंट एलिमेंट डीएल और ये लाइन के बीच में कितना डिग्री का एंगल है, बताइए। ये इसी तरह से तो है, बताइए कितना डिग्री का, 90 डिग्री का। चाहे आप इसको ऐसा भी रखेंगे तब भी कितना, 90 डिग्री। इधर रखिएगा तब भी कितना, 90 डिग्री। बात समझ में आया। मतलब ये वाला जो एंगल है आपका ये कितना है, 90 डिग्री है, बात समझ में आया। फिगर में शायद देख के समझ में ना भी आए लेकिन आप यहाँ पे समझ गए होंगे कि ये कितना का है, 90 डिग्री का है। क्लियर। अब यहाँ से करंट किए हैं तो ये वाला आपका इलेक्ट्रिक है, करंट से बना है ना, और करंट से हमारा क्या प्रोड्यूस होता है, मैग्नेट प्रोड्यूस होता है। और हमेशा करंट और मैग्नेट क्या होता है, एक दूसरे का परपेंडिकुलर होता है, ये बातें आप जानते हैं।
अगर मान के चलियो ये क्या है, इलेक्ट्रिक है, अगर हम यहाँ पे मैग्नेटिक फील्ड बनाना चाहें तो मैग्नेटिक फील्ड क्या बनेगा, इसका परपेंडिकुलर। क्या बात समझ में आया? तो इसका परपेंडिकुलर का मतलब 90 डिग्री फॉल होना चाहिए, मतलब इस डायरेक्शन पे जो आपका बनेगा ये क्या होगा, आपका डीबी होगा। ये इलेक्ट्रिक और ये मैग्नेटिक एक दूसरे का क्या होता है, परपेंडिकुलर होता है, ये आप जानते हैं। क्या बात समझ में आया? ये दोनों का ये एंगल कितना 90 डिग्री, तभी तो परपेंडिकुलर बना। क्या बात समझ में आ गया? तो डीएल यहां पे लेंथ था, तो यहां पे कितना मैग्नेटिक फील्ड बनेगा, डीबी बनेगा। बात समझ में आई होगा? चलिए आगे ध्यान से समझिएगा। अगर ये डीबी हमारा रिजल्टेंट है, समझिएगा डीबी हमारा क्या है, रिजल्टेंट है, तो इसका हमारा दो डायरेक्शन होता है, आपको पता है, एक आपका किधर साइन की ओर और एक किधर कोस की ओर, याद कराएं। चलिए ध्यान दीजिएगा, अगर देखिए ये हमारा क्या था, रिजल्टेंट था, तो इसका एक डायरेक्शन इधर और एक डायरेक्शन इधर। क्या बात समझ पाए? तो इसी तरह से अगर ये हमारा क्या है, रिजल्टेंट है, तो इसको हम क्या बना सकते हैं, एक इधर और एक इधर। डाउट है अभी भी? यही तो है, बात समझ में आया? ठीक। अगर यहां से जो फोल हुआ उस एंगल को हम क्या मान लें, फाई मान लें, क्या मान लेते हैं, फाई। अगर उसको फाई माने तो इसमें हमको दो डायरेक्शन मिला, एक साइन थीटा का और एक कोस थीटा, लेकिन थीटा की जगह हमने क्या लिया है, फाई। तो ये डीबी से बना है, तो इसको हम क्या लिख सकते हैं, डीबी कोस फाई। क्या बात समझ में आया? इसको क्या लिख सकते हैं बोलो, डीबी साइन फाई। डाउट है? ये इसका सेंटर है, सेंटर को हम रिप्रेजेंट कर देते हैं ओ से, ओ से पी का दूरी को हम क्या मान लेते हैं, एक्स मान लेते हैं। ओ से पी का दूरी को क्या मान लिए, एक्स। ध्यान दीजिएगा, ओ से पी का जो दूरी है उसको एक्स मान लेते हैं, और ये जो स्मॉल करंट एलिमेंट डीएल है, डीएल से पी का दूरी को स्मॉल आर मान लेते हैं। बात समझ में आया? डाउट है? चलिए, अगर इस छोटा सा करंट एलिमेंट से ये चीज बना, तो आप यहां पर भी छोटा सा करंट एलिमेंट ले सकते हैं। क्या बात समझ में आया? जैसे कि आपको हमने यहां पे दिखाया था, ये छोटा सा भाग है, तो जस्ट इसका अपोजिट डायरेक्शन पे यहां पर भी आप छोटा सा करंट एलिमेंट ले सकते हैं। नहीं ले सकते हैं क्या? इसका नाम आप दे दीजिए एक्स डैश वाई डैश। उसका नाम क्या था, एक्स वाई, इसका नाम क्या हो गया, एक्स डैश वाई डैश। इसका भी लेंथ कितना आपका, डीएल, उतना ही लंबाई है। और यहां से भी हम कहां पे मैग्नेटिक फील्ड को कैलकुलेट करेंगे, पॉइंट पी पे। चलिए बात समझ में आया? वाई डैश, अगर यहां से ये इसका रेडियस है, तो यहां से ये भी तो इसका क्या होगा, रेडियस ही होगा। क्या बात समझ में आया? अगर डीएल से लेकर पी का दूरी को आर माने, तो ये भी तो डीएल से पी है, ये दूरी भी क्या होगा, आर ही होगा। आप जानते हैं, ये देख रहे हैं ये एंगल 90 डिग्री है। बात समझ में आया? अब इस ओर से भी हमारा क्या बनेगा, इलेक्ट्रिक फील्ड है, तो मैग्नेटिक फील्ड जस्ट इसका क्या बनेगा, परपेंडिकुलर। इस डायरेक्शन पे आपका क्या बनेगा, डीबी डैश, वही चीज है, लेकिन क्या बन रहे हैं हम लोग इसको, डीबी डैश, इसको क्या मान लिए, डीबी। अब इसमें भी हमको क्या चाहिए, अगर उसको हम रिजल्टेंट मान लें, तो इसका दो डायरेक्शन चाहिए, बोलो, ये वाला एक डायरेक्शन हुआ और ये वाला एक डायरेक्शन हुआ। डाउट है? इसको क्या मान ले, अगर ये फाई है तो ये भी आपका क्या है, फाई ही है, सिमिलर है दोनों, तो ये क्या हो गया, डीबी डैश कोस फाई, और ये क्या हो गया, डीबी डैश साइन फाई। क्लियर? चलिए ध्यान दीजिएगा, अगर ये एंगल फाई है तो ये एंगल भी क्या होगा, आपका फाई होगा, ये फाई है तो ये भी क्या होगा, फाई, क्योंकि इक्वल है दोनों एंगल। ये सर्कुलर कॉइल किस तरह से रखा हुआ है आपको पता चला ना?
तुम लोग समझी कि नहीं? नहीं समझी होगी, थोड़ा थोड़ा। ये सर्कुलर जो कॉइल है ना, वो इस तरह से रखा हुआ है, इस तरह से है ना, इस तरह से रखा हुआ है। और इसका एक्सिस, एक्सिस बोलेंगे तो ठीक इसका बीचों बीच में सेंटर पे ऐसा निकाला हुआ है, समझ में आया। और यहाँ पे छोटा सा देख रही है ना, ये डीएल लिए हैं और यहाँ से उसका सेंटर पे दोनों से लिया गया है। क्लियर? हो गया, ध्यान दीजिए। यहाँ जो हमने फिगर ड्रॉ किया, वही फिगर के बारे में यहाँ पे लिख दिया गया है। क्या लिखे हैं उसको ध्यान से देखिएगा। लेट ए सर्कुलर कॉइल कैरिंग करेंट आई। ये सर्कुलर कॉइल है हमारा, इसमें करंट कितना आई दिखाई देता है आपको। लेट ओ इज द सेंटर ऑफ कॉइल, ये क्या है कॉइल का सेंटर है ओ। एंड पी इज द पॉइंट ऑन द एक्सिस, ये पॉइंट हमारा पी है जो इस सर्कुलर कॉइल का कहां पे है, एक्सिस पे है सर्कुलर कॉइल। फिर नेट मैग्नेटिक फील्ड इज टू बी कैलकुलेटेड, यहां पे हम लोग टोटल मैग्नेटिक फील्ड को कैलकुलेट करेंगे। क्लियर? चलिए हो गया सबका, ये इंपॉर्टेंट है ना। अकॉर्डिंग टू BSL, अब बायोट सावर्ट्स लॉ पढ़ चुके हैं है ना, बताइए। DB इज कॉल टू म्यू नोट बाई 4 पाई आई डी एल साइन थीटा बाई आर स्क्वायर, क्या ये जानते हैं? थीटा आपको दिखाई देता है, मान के चलिए ये थीटा है तो ये थीटा 90 डिग्री है, अगर इसको मानते हैं तब भी ये क्या है 90 डिग्री है। क्लियर? तो यहाँ पे थीटा इज इक्वल टू कितना 90 डिग्री, तो डीबी का वैल्यू बोलिए, डीबी इज इक्वल टू म्यू नोट बाई 4 पाई आई डी एल साइन 90 का वैल्यू 1 बाई आर स्क्वायर। अगर आप वैल्यू पुट करना चाहते हैं तो कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। हो गया, इसको देंगे इक्वेशन नंबर फर्स्ट। क्लियर? चलिए, द कंपोनेंट, यहां पे कंपोनेंट को ध्यान दीजिएगा, द कंपोनेंट डीबी कोस फाई एंड डी बी डैश कोस फाई, दिखाई दिया डी बी कोस फाई एंड डी बी डैश कोस फाई आर इक्वल बट अपोजिट, दोनों बराबर है लेकिन उल्टा है, एक उधर दो एक इधर है कि नहीं। सो दे कैंसल इच अदर, बराबर और उल्टा एक दूसरे को क्या करेगा, कैंसल करेगा। इतनी सी बात समझ में आ गया होगा, मतलब ये हुआ कि यहां से आप यहां पे इलेक्ट्रिक फील्ड कैलकुलेट नहीं कर सकते हैं डीबी कोस फाई से और डीबी डैश कोस फाई से, क्यों, यहां पे आपको पता चल रहा है दोनों इक्वल है और उल्टा होने की वजह से दोनों एक दूसरे को क्या करेगा, कैंसल करेगा। बात समझ में आ गया। तो आपको नेट मैग्नेटिक फील्ड पॉइंट पी पे किसके चलते मिलेगा, डीबी साइन फाई से मिलेगा, क्योंकि दोनों का डायरेक्शन हमारा क्या है, सेम है। समझ में आया? तो इसको भी एक लाइन लिखते हैं, देयरफॉर नेट मैग्नेटिक फील्ड एट पॉइंट पी किसके कारण से मिलेगा, ड्यू टू डीबी साइन फाई या डीबी डैश साइन फाई लिख सकते हैं, है कि नहीं। दोनों क्या है, इक्वल है और दोनों का डायरेक्शन क्या है, सेम है,
तो एक दूसरे को कैंसिल करेगा नहीं। समझ पाई होगी बात। यहाँ पे आप चाहें तो डी वी डैश भी लिख सकते हैं या डी वी भी लिख सकते हैं, दोनों क्या है, इक्वल है। क्लियर। आ गया समझ में? पूछना है किसी को यहां तक? नहीं। चलिए थोड़ी सी आपको यहां पे एक ट्राइंगल से नजर आता होगा, ध्यान दीजिएगा। ओ पी, इसको हम सी मान दे क्या? चलिए इसको सी ले लीजिए, इसको डी ले लेते हैं ताकि हमको ट्राइंगल्स का नामकरण करने में सुविधा पड़े। ठीक, कौन ट्राइंगल की बात कर रहे हैं, थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा। ओ पी सी ट्राइंगल है। अगर ये ट्राइंगल है तो ये इसका क्या है, बेस है। ये क्या है, इसका परपेंडिकुलर है। तो ये इसका क्या है, हाइपोटेनस है। क्या बात समझ में आया? डाउट है? अगर हिल गया क्या? चलिए, अगर ये हाइपोटेनस है, ध्यान दीजिएगा, अगर क्या है ये हाइपोटेनस है, तो हाइपोटेनस के बदले में क्या आप आर स्क्वायर इक्वल टू क्या लिख सकते हैं? ये क्या है आपका, एक्स स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर लिख सकते हैं। समझ में आया? और आर इक्वल टू क्या हो जाएगा, अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर होगा। बात समझ में आया? ये वैल्यू वहां पे मेंशन कर दीजिएगा, क्योंकि हमने जनरल टर्म पे क्या निकाला है, आर निकाला है, तो हमको आर का वैल्यू चाहिए। कैसे आया आपको पता चला होगा? हो गया, ये समझ में आया बात? चलिए ये भाग को हम मिटा रहे हैं। देयरफोर नेट मैग्नेटिक फील्ड एट पॉइंट पी, टोटल मैग्नेटिक फील्ड को क्या लिखते हैं हम लोग, बी लिखेंगे, इक्वल टू इंटीग्रेशन जोड़ देंगे ना, ध्यान से समझिएगा, यहां से क्या बना है डी बी, यहां से क्या बना है डी बी, ध्यान से देखो है कि नहीं, तो ये छोटा छोटा से भी क्या बनेगा आपका, डीबी ही बनेगा। बात समझ में आया होगा? तो यहां पे ये दोनों तो कैंसिल हुआ, डीबी कोस फाई और डीबी डीबी डैश कोस फाई कैंसिल हुआ, तो मैग्नेटिक फील्ड किसकी वजह से बन रहा है आपका, डीबी साइन फाई की वजह से बन रहा है। क्या बात समझ में आया? तो बी इज कॉल टू इंटीग्रेशन क्या हम लिख सकते हैं, डीबी साइन फाई। बात समझ में आया? चलिए हो गया। और b इक्वल टू इंटीग्रेशन क्या दिखाई देता है आपको, db है। ये भी db है क्या? नहीं, तो क्या db की जगह पे आप लिख सकते हैं म्यू नोट बाई फोर पाई आई dl बाई आर स्क्वायर साइन फाई। नहीं समझ में आया? आया। क्लियर। अब ये भाग मिटाएंगे, ठीक ना। देयरफोर इन ट्राइंगल ओ पी सी, दिखाई दिया ओ पी सी, यहां पर आपको क्या दिखाई देता है, फाई। इसी फाई को हमने साइन फाई लिखा है कि नहीं, तब साइन फाई का ट्रिगोनोमेट्रिक रेशियो पी बाई एच क्या होता है? तो बताइए यहां पे पी कौन है और एच कौन है? पी कौन है, ये है, और
तो क्या लिखेंगे, कैपिटल आर बाय स्मॉल आर। नहीं समझ में आया? आया, क्लियर। तो बी इज इक्वल टू बताइए, इंटीग्रेशन म्यू नोट बाय फोर पाई आई डीएल बाय आर स्क्वायर फिर कैपिटल आर बाय स्मॉल आर। समझ में आया? चल, और b इक्वल टू जो कांस्टेंट वैल्यू है, सारा कांस्टेंट वैल्यू को बाहर निकालेंगे, है कि नहीं? कौन कौन कांस्टेंट वैल्यू है देखिए, म्यू नोट बाई फोर पाई, ये तो कांस्टेंट है। क्या यहाँ पे इसका r बदली होने वाला है कॉइल का? नहीं बदली होगा, मतलब वो भी कांस्टेंट है। आपका करंट बदली होगा? नहीं होगा, मतलब i r भी बाहर हो जाएगा बाई क्या हो जाएगा, आर स्क्वायर इंटू आर भी बाहर हो जाएगा, है? फिर इंटीग्रेशन क्या बच गया, डीएल। क्या बात समझ में आया? अब देयरफॉर इंटीग्रेशन डीएल, इंटीग्रेशन का मतलब जोड़ना, किसको, डीएल को। तो ये लंबाई आपका डीएल है, तो यहां से ये लंबाई भी डीएल, ये लंबाई भी डीएल, छोटा छोटा टुकड़ा क्या होगा, डीएल, सबको जोड़ देंगे तो क्या बन गया, एल बन गया, या सर्कमफ्रेंस ऑफ सर्कल बन गया। लंबाई रहता तब ना हमारा लेल बनता, लेकिन ये किस फॉर्म पे है, सर्कल के फॉर्म पे है। तो इंटीग्रेशन डीएल इक्वल टू क्या बना आपका, सर्कमफ्रेंस ऑफ सर्कल बना। अब जानते हैं क्या होता है, 2 पाई आर, स्मॉल आर या कैपिटल आर, स्मॉल आर, कैपिटल आर, आपने रेडियस को कैपिटल आर लेके रखा है कि नहीं? क्या बात समझ में आया? हाँ, फिर आगे बढ़े, चलिए। देयरफॉर बी इक्वल टू बताइए, म्यू नोट आई आर बाय फोर पाई आर स्क्वायर इंटू आर, इंटीग्रेशन डीएल के बदली में क्या लिखेंगे, 2 पाई आर। हाँ, कैपिटल आर, कैपिटल आर हो गया। ध्यान दीजिए इसको, बी इक्वल टू म्यू नोट आई आर स्क्वायर लिख सकते हैं, ध्यान दीजिए, ये आर और ये आर क्या हो गया, आर स्क्वायर, ये पाई से ये पाई कैंसल, टू टू जा फोर। क्या बात समझ में आया? नीचे क्या बचा आपका, बाई टू इंटू आर स्क्वायर इंटू आर, है डाउट है? चलिए, बी इक्वल टू म्यू नोट आई कैपिटल आर स्क्वायर बाई टू ही है, बोलो नहीं, फिर क्या है आपके पास में, आर स्क्वायर, तो आर का वैल्यू आपके सामने है, बोलो, अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस कैपिटल आर स्क्वायर का होल स्क्वायर, क्यों यहां पे स्क्वायर है, इनटू फिर आर, बोलो, एक्स स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर का रूट। नहीं समझ में आया? आया, डाउट है? नहीं आया समझ में? क्या आया? हम चाहते तो इसको आर क्यूब लिख सकते थे यहां पे, लेकिन हमको कैलकुलेट करने में परेशानी होती, ठीक, इसलिए हमने इसको नहीं एक साथ लिखा। आप आगे ध्यान दीजिए, और बी इक्वल टू म्यू नोट आई कैपिटल आर स्क्वायर बाई टू इंटू रूट है और स्क्वायर भी है, तो क्या बचेगा, एक्स स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर, सही है, इंटू एक्स स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर का पावर वन बाई टू, सही है, रूट हटाएंगे तो वन बाई टू लगेगा हमारा। और बी इक्वल टू म्यू नोट आई आर स्क्वायर है,
बाय टू इंटू क्या लिखा हुआ है, एक्स स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर, इसका पावर कुछ नहीं मतलब वन है। जब बेस सेम होती है तो पावर ऐड होता है, ये जानते हैं आप। तो दोनों का बेस क्या सेम है, नहीं है। यहाँ पर भी एक्स स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर है, यहाँ पर भी एक्स स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर, दोनों का बेस क्या है, सेम है। तो दोनों का पावर क्या हो जाएगा, ऐड होगा। तो इसका पावर कितना, वन, और इसका पावर कितना, वन बाई टू, मतलब वन प्लस वन बाई टू। क्लियर? यानी कि b इक्वल टू आपको मिला म्यू नोट i कैपिटल r स्क्वायर बाय 2 इंटू एक्स स्क्वायर प्लस कैपिटल r स्क्वायर 3 बाई टू। लगाओ ने रे वेक्टर, ये लिख पढ़ चुके ना हम लोग, मैग्नेटिक फील्ड इज ए वेक्टर क्वांटिटी। डाउट है, देखो क्या निकाला गया है। दूसरा है, क्लियर? किसी को पूछना है? इफ पॉइंट पी, अगर पॉइंट पी हमारा क्या हो, सेंटर के बहुत नजदीक में हो, क्या बात समझ में आया? पी हमारा कहां पे हो, सेंटर के नजदीक में हो, इसे लिख रहे हैं इफ पॉइंट पी लाइस वेरी क्लोज टू सेंटर, अगर पी हमारा एकदम सेंटर के नजदीक हो तब एक्स इक्वल टू क्या हो जाएगा, ये एक्स है ना। तो इस पॉइंट पी को हम कहां पे लेकर आए, सेंटर के नजदीक, तो एक्स इक्वल टू एक्स को है ही नहीं, क्या नहीं समझ में आया? आया। अगर एक्स क्या हो गया हमारा, जीरो हुआ, क्यों जीरो हुआ, क्योंकि हमारा पी अब कहां पे है, यही पे है, सेंटर जगह है, तो x तो बचा नहीं, तो x क्या हो गया, जीरो हो गया। अगर x जीरो हुआ इस केस में तो बताइए b इक्वल टू म्यू नोट i कैपिटल r स्क्वायर बाय 2 इंटू जीरो का स्क्वायर प्लस r स्क्वायर का पावर 3 बाय 2, सही है। और b इक्वल टू म्यू नोट i कैपिटल r स्क्वायर बाय बताइए 2 आर स्क्वायर का पावर 3 बाई 2, ये 2 से ये 2 कैंसल होगा। तो b इक्वल टू म्यू नोट i कैपिटल r स्क्वायर बाई 2 आर क्यूब बचेगा, और क्या नहीं, तो बोलो b इक्वल टू म्यू नोट i बाई 2 आर। क्या आप पीछे ये चीज निकाल चुके हैं, देखो यही वैल्यू आया होगा जब आप केवल सर्कुलर कॉइल पढ़े थे तब। अब हमने यहां पे एक्सिस को क्या कर दिया, सेंटर पे के ले लाए, तो वो सर्कुलर कॉइल ही तो बना पीछे वाला, तो ये वैल्यू आना चाहिए हमको, और ये वैल्यू आ गया। क्या बात समझ में आया? अब माना हुआ चीज था वहां पे, शायद इसको आप स्मॉल आर माने हैं तो स्मॉल आर होगा, यहां पे हमने कैपिटल आर माना तो कैपिटल आर है, ए मानते तो ए होता, बी मानते तो बी होता। बात समझ में आया नहीं? मिला इसी का, देखो ये वाला लाई है ना, म्यू नोट आई बाई टू आर, यहां पर भी आपको मिला म्यू नोट आई बाई टू आर। आपका एनसीईआरटी बुक में भी यही दिया गया है, आप देख लेंगे, ये देखो है, उधर डाउट नहीं होना है कि वहां पे मतलब आई कैप लगाया है, इसका क्या मतलब, क्योंकि हमारा
मैग्नेटिक फील्ड क्या है, वेक्टर क्वांटिटी है, जबकि इधर स्केलर है, इसलिए वेक्टर बनाने के लिए आई कैप डाल दिया गया है, कोई फर्क नहीं पड़ने वाला है। क्लियर? किसी को पूछना है? ये 5 नंबर आपको दिलाएगा ये क्वेश्चन, बहुत बार पूछा जाता है, हर एक साल गैप करने के बाद रिपीट किया जाता है ये क्वेश्चन। अगला टॉपिक डालेंगे हम लोग, जिसका नाम है मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू स्ट्रेट वायर कैरिंग करंट। मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू स्ट्रेट वायर कैरिंग करंट। मिला? जैसे टोटल स्लो आ गया, पता नहीं किधर किधर देता है, तो इसी का अगल बगल होना चाहिए, साइक्लोट्रॉन है। चलिए हो गया, लिख लीजिएगा एक लाइन में, कंसीडर ए लॉन्ग स्ट्रेट वायर क्या लिखेंगे? Consider a long straight wire, नाम दे है ये straight wire हो गया, इसको नाम क्या दिए हम लोग? AB। समझ में आया? Carrying current I, कितना करेंट कैर मतलब ये लेके जा रहा है, I करेंट लेके जा रहा है, carrying current I। क्लियर? लेट पी इज द पॉइंट एट ए डिस्टेंस एक्स फ्रॉम द वायर। एक हम पॉइंट लेंगे, ये पॉइंट है हमारा क्या? पी। जो ये वायर है ना, इससे कितना दूरी पे है? थोड़ा सा नीचे कर देते हैं, ये पॉइंट आपका क्या है? पी है। यहां से ये कितना दूरी पे है? एक्स दूरी पे है, यही चीज लिखा हुआ है, ध्यान दीजिए। जहां पे हम नेट मैग्नेटिक फील्ड को क्या करने वाले हैं? कैलकुलेट करने वाले हैं। हो गया? थोड़ी सी ध्यान दीजिएगा इधर, अगर ये हमारा वायर है और ये पॉइंट क्या है? पी है। अगर हम यहां से एक लाइन ड्रॉ कर दिए तो ये वायर को दो भाग में बांट दिया। नहीं समझ में आया? क्या दो भाग में बटा ये? कि नहीं बटा? चलिए हम इसको ओरिजिन मान लेते हैं, ओ मान लेते हैं। अब जानते हैं जब इस तरह का हमारा कोई डायग्राम आता है तो यहाँ से ऊपर वाला भाग पॉजिटिव होता है और इधर वाला नेगेटिव होता है। आप अल्टरनेटिंग करंट में पढ़ चुके हैं। क्लियर? यहाँ से करंट कितना जा रहा है? आई जा रहा है। अब हम एक ही बार में तो यहाँ पर मैग्नेटिक फील्ड कैलकुलेट नहीं कर सकते हैं, इसलिए इस तार का छोटा सा टुकड़ा को हमको लेना होगा। बोलो क्या समझ में आया? छोटा सा टुकड़ा लेंगे और उस छोटा टुकड़ा में जितना करंट है उससे बनने वाला मैग्नेटिक फील्ड को कैलकुलेट करेंगे पहले। क्या बात समझ में आया? यहां पे ये जो छोटा सा टुकड़ा आप लिए हैं इसका लंबाई कितना? डीएल। यहां पे आप एल लिख सकते हैं, है ना? डीएल डीएल को जोड़ेंगे तो कितना आ जाएगा? एल आ जाएगा। चलिए क्लियर?
डाउट है, ध्यान दीजिएगा। अब एक बार आप कहाँ से कैलकुलेट करेंगे, पॉइंट बी से, और एक बार पॉइंट ए से, तभी तो टोटल आपका निकलेगा। नहीं, फिलहाल आप कहाँ से कैलकुलेट करने वाले हैं, स्मॉल करेंट एलिमेंट डीएल से कैलकुलेट करने वाले हैं। क्या बात समझ में आया? ये आपका कितना डिग्री, 90 डिग्री। सपोज ए से बी पूरा वायर का लंबाई कैपिटल एल है, कितना है, कैपिटल एल, तो ये डी एल से लेकर ओ का दूरी, डी एल से लेकर ओ का दूरी को हम स्मॉल एल मान लेते हैं। टोटल वायर का लेंथ को हमने कैपिटल एल माना। ये छोटा सा करंट एलिमेंट का लंबाई डी एल है और डी एल से ओ का दूरी एल है। क्या बात समझ में आया? अब ये जानते हैं जहां से भी आप कैलकुलेट करते हैं उसका डिस्टेंस को क्या लेते हैं हम लोग, आर है। चलिए, हो गया, डाउट है? चलिए ध्यान दीजिएगा। सपोज ये एंगल आपका क्या बन गया, थीटा है। अब ये एंगल और ये एंगल क्या दोनों इक्वल है, है या नहीं है? अगर हम इसको क्या मान ले, थीटा टू मान लेते हैं, तो इसको क्या मान ले, थीटा वन मान लेते हैं। दोनों क्या है, इक्वल है। लेकिन साइड को इसका देखिएगा तो एक पॉजिटिव की ओर है और एक नेगेटिव की ओर है। क्या बात समझ में आया? नहीं, ये आपका नेगेटिव की ओर है और ये पॉजिटिव की ओर है। क्या बात समझ में आया? आपने सीखा है ना कि इस तरह से है, अगर ये ओरिजिन है तो ये वाला क्या है, प्लस, और ये वाला माइनस, यही तो बना हुआ है। बोलो, ये एंगल आपका क्या है, थीटा टू, ये एंगल क्या है, थीटा वन। ये किसमें है, प्लस की ओर, ये किसमें है, माइनस की ओर। बात समझ में आया? हम वो माइनस वैल्यू पुट करेंगे जब हम लिमिट लगाएंगे। क्लियर? ध्यान दीजिएगा, उस समय ये नहीं पूछना है कि माइनस आया किधर से, आपको हम पहले क्लियर करा दे रहे हैं। चलिए, क्लियर हो गया बात यहाँ पे? चलिए, थोड़ी सी जो यहाँ पे नहीं लिखा गया है उसको भी लिख देते हैं। देयरफॉर डीएल क्या है यहाँ पे, जल्दी, डीएल क्या है, स्मॉल करंट एलिमेंट लिख दें, चलेगा क्या? करंट तो है उसमें भी, नहीं है? नहीं समझ में आया? इसमें आपका करंट कितना जा रहा है, आई, तो उस डीएल में भी क्या है, आपका करंट है, स्मॉल करंट एलिमेंट है। आर क्या है, डिस्टेंस, नहीं, बिटवीन कहां से कहां का, डीएल टू पी, डीएल से पी का दूरी कितना है, आर है। एल क्या है, डिस्टेंस बिटवीन डीएल टू ओ। बात समझ में आया? हो गया। चलिए, ये सब क्या पढ़ रहे हैं हम लोग, एप्लीकेशन ऑफ बीएसएल, बायट सावर्ट्स लो का एप्लीकेशन पढ़ रहे हैं, ठीक। चलिए, अकॉर्डिंग टू बीएसएल, उसी का एप्लीकेशन है तो उसी का नियम को लगाना पड़ेगा हमको। हो गया, बोलिए। आप जानते हैं डीबी इक्वल टू म्यू नोट बाई फोर पाई आई बी एल साइन फाई बाई आर स्क्वायर, यही है। क्लियर? ये एंगल क्या है आपका, थीटा, ये थीटा टू और ये पूरा थीटा वन। तो ये एंगल जो बना है यहाँ पे, देख रहे हैं आप, ये एंगल को हम मान लेते हैं फाई, और यही फाई है आपका साइन फाई, क्योंकि वहाँ पे आपका डीएल है ना, जहाँ से हम मैग्नेटिक फील्ड को पॉइंट पी पे कैलकुलेट कर रहे हैं। चलिए, हो गया, लगाइएगा इसको इक्वेशन नंबर फर्स्ट।
यहाँ पे हमको एक ट्राइंगल उठाना पड़ेगा, इसलिए हम इसका नाम दे दें क्या, इस पॉइंट का नाम दे दें, चलिए इस पॉइंट का नाम दे देते हैं सी। ठीक, इन राइट एंगल ट्राइंगल पी ओ सी, क्या दिखाई दिया आपको, पी ओ सी राइट एंगल है नहीं है। राइट एंगल किसको कहते हैं, जिसका एक एंगल 90 डिग्री हो। तो क्या ये एंगल 90 डिग्री है, पी ओ सी ये एंगल की बात कर रहे हैं हम लोग है। फाई है वहां पे एक एंगल दिखाई देता है आपको, तो क्या आप साइन फाई लिख सकते हैं। यहां पे थोड़ा सा बारीकी से समझना, ये फाई के बदले में हम क्या लिख लेते हैं, साइन फाई, ट्रिगोनोमेट्रिक रेशियो पी बाई एच। तो इस ट्राइंगल पे कौन पी है और कौन एच है, जल्दी बोलिएगा। हम एंगल कौन सा उठाए हैं पहले देखिए, फाई, हाँ तो कौन पी और कौन एच। पी बाई एच क्या लिखे हम, एक्स बाई आर, एक्स बाई आर। बताएं हम पकड़ने का तरीका, थीटा के सामने वाला परपेंडिकुलर होता है, हाँ है। चलिए अगर हम इस थीटा को कोस थीटा ले लें तो क्या होगा, बोलिए। ये थीटा है ना यहां पे दिखाई देता है, यही ट्राइंगल के अंदर है। तो इस ट्राइंगल थीटा को हम कोस थीटा लिखें तो कोस थीटा का ट्रिगोनोमेट्रिक रेशियो क्या होता है, बी बाई एच। तो कौन बी और कौन एच, हाँ बढ़िया से हम बोले ना, यहाँ पे बढ़िया से समझेगी। ये थीटा है ना, तो ये थीटा का सामने वाला साइड परपेंडिकुलर होता है, कितना बार बताएंगे बोलो, ये परपेंडिकुलर होता है। अगर वो परपेंडिकुलर हुआ तो कौन होगा, एक्स बाई आर, एक्स बाई आर क्या इक्वल टू लिख सकते हैं, नहीं समझ में आया, डाउट तो नहीं है, आया समझ में, हाँ चलिए ध्यान दीजिएगा। अब इसको हम सेपरेट कर दें क्या, देयरफॉर कोस थीटा इज इक्वल टू क्या मिला आपको, एक्स बाई आर मिला नहीं मिला, और आर इज इक्वल टू क्या मिलने वाला है, जल्दी यहां से आर को बाहर निकालिए, आर इज इक्वल टू एक्स बाई कॉस ऑफ थीटा, हो गया। ऑल्सो टेन थीटा इज इक्वल टू, तो बताओ ना क्या होगा, एल बाई एक्स, थीटा हम फाई ने लिखे हैं, थीटा ये थीटा एल बाई एक्स, इसका ट्रिगोनोमेट्रिक रेशियो क्या होता है, पी बाई बी। तो पी कौन है, एल बाई बी कौन है, एक्स, तो एल बाई, बात समझ में आया, हाँ क्लियर। और एल इज इक्वल टू एक्स टेन थीटा नहीं, एल इज इक्वल टू एक्स टेन थीटा, समझ में आया, आया। चलिए ध्यान दीजिएगा इसको, डिफ्रेंशिएट बोथ साइड, दोनों ओर क्या कर दें हम, डिफ्रेंशिएट कर दें। जो मैथ पढ़ते हैं वो लोग को पता होगा, या हम 11 क्लास में भी मैथमेटिकल्स इसलिए बताए थे ताकि 12 क्लास फिजिक्स पढ़ने में दिक्कत ना हो। ठीक, एल का डिफ्रेंशिएट क्या होगा, डी एल होगा, इज इक्वल टू एक्स, तो एक्स ही रहेगा हमारा, टेन थीटा का सेक स्क्वायर थीटा, समझ में आया,
क्या मिला वैल्यू, एक्स सेक स्क्वायर थीटा। ठीक, फिर थीटा को करेंगे तो क्या मिलेगा बोलो ना, डी थीटा। नहीं, थीटा को एक बार हम चैन रूल में जाएंगे ना, थीटा का डी थीटा। बायोलॉजी वाले को थोड़ा सा परेशानी होती होगी, आ रहा है ध्यान से देखो, ये आपका एक्स एक्स ही है, टेन थीटा का क्या होता है सेक स्क्वायर थीटा, फिर तीसरा टर्म हमने क्या लिया सिर्फ थीटा, थीटा का डी थीटा, जैसे कि एल का डी एल हुआ था, इसलिए थीटा का क्या हो गया एक बार डी थीटा, याद रखेंगे ये चीज। ठीक, पुटिंग दिस वैल्यू, ये वाला भाग को मिटाए क्या, ध्यान से पढ़िएगा, यही सब क्वेश्चन आता है। पुटिंग दिस वैल्यू इन इक्वेशन फर्स्ट, यहां का जितना हमारे पास वैल्यू है सबका वैल्यू को कहां पे रखने वाले हैं हम लोग, इक्वेशन पहला पे रखेंगे। चलिए रखना शुरू करें, ये इक्वेशन फर्स्ट, बोलिए डी बी इज इक्वल टू म्यू नोट बाई फोर पाई आई, रुकिए फिर क्या है आपका आई तो लिख दिया हम, फिर क्या है डी एल, दिखाई देता है कहीं पे है, बोलो क्या है एक्स सेक स्क्वायर थीटा डी थीटा, ये किसके लिए डी एल के लिए, फिर आपके पास में साइन फाई, किधर गया मिटा दिए क्या हम, ये देखो साइन फाई के बदले में कोस थीटा, क्या लिखेंगे नहीं समझ में आया, आया तो यहां पे लिख देंगे हम कोस ऑफ थीटा बाई, बोलिए आर स्क्वायर, क्या आर का कुछ वैल्यू है हमको तो दिखाई दे रहा है, ये देखिए दिखाई देता है आर का क्या वैल्यू एक्स बाई कॉस थीटा स्क्वायर है तो स्क्वायर डालेंगे, आया समझ में। चलिए और डी बी इज इक्वल टू म्यूनोट बाई फोर पाई आई एक्स सेक स्क्वायर थीटा डी थीटा इंटू कोस थीटा बाई एक्स स्क्वायर बाई कोस स्क्वायर थीटा, दोनों का स्क्वायर है yes, हम लोग अब असली फिजिक्स की ओर बढ़ रहे हैं हाँ? चलिए ये आपका थर्ड टर्म किसके साथ मल्टीप्लाई, फर्स्ट टर्म के साथ मल्टीप्लाई। चलिए और डी बी इज इक्वल टू म्यू नोट बाई फोर पाई आई एक्स, समझिएगा पॉइंट को आई एक्स, क्या बचा आपके पास में सेक स्क्वायर थीटा ऊपर जाएगा इंटू कोस स्क्वायर थीटा, इसको हम सेपरेट कर रहे हैं ठीक, फिर क्या बचा आपके पास में कोस थीटा फिर डी थीटा बाई एक्स स्क्वायर, नहीं समझ में आया, आया डाउट है उधर है पीछे तुमको, ये एक्स है एक एक्स खत्म, अब जानते हैं कि सेक स्क्वायर थीटा इंटू कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल टू वन होता है, समझ में आया नहीं जानते हैं तो बगल में लिख लीजिएगा सेक स्क्वायर थीटा इंटू कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल टू वन। ठीक, अब बताइए डी बी इक्वल टू म्यू नोट बाई फोर पाई आई बचा, एक्स तो कैंसल है हमारे पास, क्या है आपके पास में कॉस ऑफ थीटा डी थीटा बाई एक्स, नहीं समझ में आया, आया डाउट है। इस छोटा सा करंट एलिमेंट डीएल से इस पॉइंट पी पे इतना मैग्नेटिक फील्ड बनेगा, क्लियर। अब हमको क्या करना है, टोटल का निकालना है, हम तो छोटा सा निकाले हैं डीएल का, तो डीएल डीएल को जोड़ेंगे तो एल बनेगा नहीं, चलिए लिखते हैं पहले इधर मिटा लेते हैं,
नाउ नेट लिख देते हैं ना, टोटल लिखने की जगह में नेट मैग्नेटिक फील्ड एट पॉइंट कहां पे पी ड्यू टू होल वायर, पूरा जितना वायर है पूरा को लेंगे। समझ में आया? बताते हैं अभी, लिख लिए। बाय इंटीग्रेटिंग इंटीग्रेटिंग एबव इक्वेशन, चलिए हो गया, कंफ्यूज तो नहीं है? हाँ, देयरफॉर नेट मैग्नेटिक फील्ड, नेट मैग्नेटिक फील्ड का मतलब बी, किसको इंटीग्रेट करेंगे? डीबी को, तभी ना टोटल निकलेगा। तो बोलो बी इंटीग्रेशन क्या लिखा हुआ है? डीबी। क्या आप डीबी का वैल्यू निकाल चुके हैं? तो डीबी की जगह हम लिखिए ना, क्या है आपके पास? म्यू नोट बाई फोर पाई आई कॉस थीटा डी थीटा बाई एक्स। क्लियर हो गया? अब यहां पे आपने क्या लिखा समझिएगा, होल वायर मतलब पूरा पूरा वायर आपका क्या है? ए से बी है या नहीं है? ए से ओ के बीच में बना एंगल थीटा वन, यही तो दिखा रहा है। थीटा वन और थीटा टू किसको दिखाया? ए और बी को दिखाया। तो बताइए इसका लिमिट हम लगाएंगे, माइनस थीटा वन और ऊपर थीटा टू। ये माइनस क्यों लगा आप जानते होंगे, डाउट है? चलिए आगे बढ़े, ये वाला भाग मिटाना पड़ेगा हमको फिर से। चलिए और b इक्वल टू कॉन्स्टेंट वैल्यू को सबको बाहर निकालिए, बोलिए म्यू नोट बाई एक्स, यहां पे क्या है हमारा? कॉन्स्टेंट नहीं है क्या? वो तो नहीं बदली होगा। हाँ x, फिर i बदली होगा क्या? i भी हमारा कॉन्स्टेंट है, करंट चेंज होने वाला नहीं है। अब इंटीग्रेशन क्या बचा आपका? कॉस थीटा डी थीटा, लोअर लिमिट माइनस थीटा वन और ये थीटा टू, यह भी तो भैरी किया है। क्या बात समझ में आया? चलिए ध्यान दीजिएगा, और बी इक्वल टू म्यू नोट आई बाई फोर पाई क्या हो गया? एक्स कॉस थीटा का इंटीग्रेशन साइन थीटा होगा। इंटीग्रेशन का साइन हटाएंगे डी थीटा हट जाएगा, अपर लिमिट आपका थीटा टू, लोअर लिमिट माइनस थीटा वन। हो गया? अब जानते हैं कौन किस किस के साथ में भैरी करेगा उसको, तो बोलिए बी इक्वल टू म्यू नोट आई बाई फोर पाई एक्स साइन थीटा के जगह में थीटा टू माइनस साइन थीटा के जगह में माइनस थीटा वन। जवाब सही है? चलो और बोलिए बी इक्वल टू म्यू नोट आई बाई फोर पाई एक्स क्या होगा? साइन थीटा टू माइनस और माइनस प्लस साइन थीटा वन। क्या आप इसको इस तरह से लिख सकते हैं? b इक्वल टू म्यू नोट आई बाई फोर पाई एक्स साइन थीटा वन प्लस साइन थीटा टू। क्या कोई फर्क पड़ने वाला है? दोनों प्लस में है।
हो गया? चलिए एक लाइन थोड़ा सा, इफ इफ वायर इज इनफाइनाइट लॉन्ग, अगर हमारा तार क्या हो, इनफिनाइट हो, बहुत लंबा हो, जिसका ओर छोर पता ना हो, देन थीटा वन एंड थीटा टू, देन थीटा वन एंड थीटा टू आर टेकन एज एज पाई बाई टू। समझ में आया? थीटा वन और थीटा टू को क्या लेंगे? पाई बाई टू। किस केस में? जब हमारा वायर बहुत लंबा हो, जिसका ओर छोर पता ना हो। अगर इस केस में अगर हम इसको ले लें तो आपको क्या मिलेगा? B इज कॉल टू म्यू नोट आई बाई फोर पाई एक्स, है ना? बोलिए, साइन पाई बाई टू प्लस साइन पाई बाई टू, क्या बात सही है? देखिए, साइन पाई बाई टू मतलब 90 डिग्री, पाई बाई टू कितना? 90 डिग्री, तो साइन 90 का वैल्यू बोलिए 1, तो बोलिए ना, तो बोलो B इज कॉल टू म्यू नोट आई बाई फोर पाई एक्स इंटू वन प्लस वन, होगा क्या? तो B इज कॉल टू, बोलिए, टू म्यू नोट आई बाई फोर पाई एक्स। क्लियर हुआ? ध्यान दीजिएगा, ये एप्लीकेशन ऑफ BSL है, 5 नंबर के क्वेश्चन पूछा जाता है। एक चीज बताना चाहेंगे यहाँ पे, आप बड़ी बड़ी जहाँ पे ट्रांसमिशन लाइन पार हुआ होगा, ट्रांसमिशन लाइन का मतलब समझते हैं, जैसे मोबाइल का टावर होता है ना, उस तरह का खंभा होता है, उसमें मतलब तार पार हुआ है, उसमें आप कभी क्रॉस कीजिएगा, वहाँ से आपको एक सनसनाहट की आवाज़ आती है, आती है, क्यों? क्योंकि वायर है, उस वायर में क्या फ्लो रहा है? करेंट फ्लो रहा है, और करेंट क्या प्रोड्यूस करता है? मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस करता है, तो वहाँ पे एक ही वायर थोड़े है, बहुत सारा है कि नहीं है? तो सबका मैग्नेटिक फील्ड आपस में क्या होता है? टकराता है, और वही टकराने की वजह से आवाज़ आता है। समझ में आया? देखिए, यही पी तो है, इतनी ही दूरी में तो है उसका मैग्नेटिक फील्ड, कितना? इससे भी कम दूरी में होगा, तो उसका इसका मैग्नेटिक फील्ड इतना है, तो दूसरा तार का भी होगा, दोनों लड़ेगा कि नहीं लड़ेगा? इसीलिए आवाज़ आता है। ये तो क्यों आवाज़ आता है? हमको थोड़ा दिखाई देगा, लेकिन फिजिक्स देखा है, निकालता है। समझ में आ रहा है? हाँ, इतना इतना मैग्नेटिक फील्ड बनता है। अब आप करंट कितना देते हैं उसका आप समझिए, यहाँ पे लिखा हुआ है, आई है कि नहीं? एक्स कितना दूर पे है, निकालना चाहते हैं, निकालिए। क्या बात समझ में आया? डाउट है? सुने होंगे प्रैक्टिकली, लेकिन पता नहीं चला था, आज पता चल गया क्यों ऐसा होता है। इतना मैग्नेटिक फील्ड बनता है, देखिए स्ट्रेट वायर इनफाइनाइट, उसका भी लंबाई होता है ना, तो ये विद इनफाइनाइट का हमने मैग्नेटिक फील्ड निकाला। समझ में आया? इसीलिए होता है, नहीं तो करंट जा रहा है, क्यों बचता? वो बजने वाला चीज है करंट, नहीं? क्वेश्चन, द मैग्नीट्यूड ऑफ मैग्नेटिक फील्ड एटी पॉइंट जीरो सेंटीमीटर फ्रॉम दी एक्सिस ऑफ ए लॉन्ग स्ट्रेट वायर इज 7.0 माइक्रो टेस्ला, कैलकुलेट द करेंट इन द वायर। क्या क्वेश्चन समझ पाए? नहीं आया क्वेश्चन समझ में?
आया। ध्यान से समझिए क्वेश्चन को, एक बार फिर से बताते हैं। द मैग्नीट्यूड किसका, मैग्नेटिक फील्ड का, कितना, 80.0 सेंटीमीटर फ्रॉम द एक्सिस, जो उसका एक्सिस है उससे कितना दूर पे है, 80 सेंटीमीटर पे है। लॉन्ग स्ट्रेट वायर, यही वाला तार, इज 7.0 म्यूटी, उसका मैग्नेटिक फील्ड कितना, 7.0 म्यूटी माइक्रो टेस्ला। तो उस वायर पे कितना करंट होगा फाइंड करना है। समझ में आया, पहले गिवन दैट, बोलिए, बी इक्वल टू 7.0 म्यूटी है, टेस्ला मतलब मैग्नेटिक फील्ड, म्यू का वैल्यू आप जानते होंगे, 7.0 इंटू 10^-6 टेस्ला होगा। एक्स दिया हुआ है क्या, 80.0 सेंटीमीटर, बोलो नहीं, तब 0.8 मीटर क्या होगा। आई इक्वल टू क्वेश्चन मार्क, अब जानते हैं फॉर्मूला, बी इक्वल टू, जल्दी बी इक्वल टू, जल्दी बोलो, म्यू नोट बाई 4π 2i/x। क्यों ऐसा लिखे समझ में आया होगा, क्योंकि मुनोरा 4π का कुछ वैल्यू होती है, इसीलिए ऐसा लिखा गया। नहीं समझ में आया, आया खिचड़ी ऐसा लिखिएगा तो फिर दिक्कत ना हो जाएगा क्या, ये नहीं है, ये यही तो है। चलिए निकालिए जल्दी। अच्छा आपको फाइंड क्या करना है, आई, तो आई को बाहर निकालेंगे ना, तो आई इक्वल टू क्या होगा, जल्दी आई को बाहर निकालेंगे तो बी एक्स ना, बी एक्स बाई 2 into μ0/4π। ये एक ही चीज है, याद रखिएगा, उल्टा पलटा मत कीजिएगा, ये μ0/4π एक ही है। अब जानते हैं ये चीज कॉन्स्टेंट, तभी उसका वैल्यू रख सकते हैं, नहीं तो ऊपर नीचे किए तो गड़बड़ सा। समझ में आ रहा है बात, जब भी आप इसको रिप्लेस करेंगे तो एक साथ, ऐसा नहीं है कि 4π को ऊपर, म्यू नोट को नीचे, सब गड़बड़ हो जाएगा। ये कांस्टेंट वैल्यू है, अब जानते हैं मैग्नेटिक फील्ड का, के का वैल्यू है कि नहीं, चलो वैल्यू लगाइए। I इक्वल टू बी, बी कितना, 7.0 × 10^-6 टेस्ला इंटू एक्स, बोलिए 0.8/2 × 10^ होता है, सॉल्व कीजिए। सात चौके 28, हाँ नहीं देखो यहाँ 1 बचा, हाँ नहीं समझ में आया, आया ऊपर में लेके जाओ, ये 8 हो जाएगा, ये कटेगा ना, नहीं आया समझ में, 7.0 × 0.8 × 10 ये है ना, यहाँ पे 1 माइनस में था, ऊपर जाएगा तो प्लस, बाय क्या बचा 2, ये कितना हो गया 8, 0.8 × 10 8, मतलब 7 × 8/2, 2 × 4 = 8, 7 × 4 = 28 एम्पियर। नहीं समझी, आया समझ।